अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूँ शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेप के। शेप क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इंसर्ट टैब में अगर आप लोग आ जाओ तो यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले जो टॉपिक उसका नाम है शेप। शेप बेसिकली क्यों लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे शेप्स ले सकते हो आप। ये सारे आपको शेप्स दिए हुए हैं इस तरीके के, आप शेप यहाँ से लेके ड्रॉ कर सकते हो किस तरह से, वो भी हम करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ शेप्स क्यों यूज़ होते हैं। शेप्स बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी शेप में पिक्चर लगानी है तो आप शेप लेके उसमें आप पिक्चर लगा सकते हो। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे यार जब डायरेक्ट यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ से क्यों नहीं लगा लें, तो यहाँ से भी लगा सकते हैं लेकिन आप शेप में भी पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा शेप में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे अगर आपको याद हो तो हम टेक्स्ट ग्रुप पढ़कर आए थे, इसमें हमने ये पढ़े थे टेक्स्ट बॉक्सेस। तो बेसिकली ये जो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेज हैं ये सारे के सारे बने हुए किसमें, शेप्स पे। और अगर आपको एक और चीज़ याद हो तो हम पेजेस ग्रुप में पढ़कर आए थे कवर पेजेस, ये जितने भी कवर पेजेस हैं ये सब के सब बने हुए किस पे, शेप्स के ऊपर, ठीक है। तो कवर पेज भी बनाना सीखेंगे, सिखाऊंगा मैं आपको डिज़ाइन करना, लेकिन उससे पहले आज हम बेसिक शेप क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, उसकी टैब में जो चीज़ें आती हैं वो क्या क्या हैं, किससे क्या होगा, किससे कैसे डिज़ाइन होगी, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से एक ले लिया नॉर्मली ये रेक्टेंगल शेप और इसको मैंने कर लिया ड्रॉ करने के बाद देखें सबसे पहली चीज़ तो वही है जो हमने पिक्चर में पढ़ी थी कि भाई आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आप यहाँ से करोगे तो इसकी विड्थ छोटी या बड़ी होगी, या अगर आप यहाँ से इसको छोटा या बड़ा करोगे तो इसकी हाइट छोटी या बड़ी होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप इसको करवा सकते हो रोटेट। रोटेट की मैंने आपको शॉर्ट की भी बताई थी, ऑल्टर लेफ्ट एंड राइट एरो। अगर आप ऑल्टर के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट पे रोटेट होगा, और अगर आप ऑल्टर के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो लेफ्ट पे रोटेट होगा, ओके। इसके बाद जब भी आप कभी भी शेप लेंगे तो आपके पास एक टैब आ जाएगी ड्राइंग टूल के नाम से, फॉर्मेट टैब, ठीक है। अगर मैं देखें सिलेक्ट नहीं करता शेप को तो नहीं आएगी, जब सिलेक्ट होगा तभी ये टैब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये मेक श्योर करिएगा। इसके बाद अगर हम इस टैब में आ जाएं तो सबसे पहले हमें ग्रुप दिया हुआ है इंसर्ट शेप्स का, कि अगर आप यहाँ से और शेप्स इंसर्ट करवाना चाहो तो आप यहाँ से बहुत सारे शेप्स एट द टाइम रख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। यहाँ से आप जिस तरीके की भी शेप्स ड्रॉ करना चाहो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट, इस पर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। आगे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी इस शेप की किसी भी पॉइंट को एडिट करना चाहो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। एडिट पॉइंट में गया मैं और देखें यहाँ से मैं इसको मूव करवा के जैसा भी शेप बनाना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये देखें, ये था रेक्टेंगल शेप और अब देखें किस तरीके का बन गया, बूमरैंग टाइप का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि भाई इस शेप को चेंज करना चाहते हो आप किसी दूसरे शेप से। मैंने कहा बिल्कुल इससे करना चाहते, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये हमने इस ऑप्शन से देखा था। इसके अलावा मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बॉक्स, कि अगर आप चाहो तो ये स्पेशली बना है टेक्स्ट लिखने के लिए, लेकिन आप इस शेप के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, वो बताऊँगा अभी, थोड़ा सा वेट कर लें। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम शेप स्टाइल्स, जैसे आपको याद हो तो टेक्स्ट के स्टाइल्स मिले हुए थे आपको यहाँ बने बनाए, यहाँ पे आपको पैराग्राफ के स्टाइल्स मिले हुए थे बने बनाए, ऐसे ही यहाँ पर आपको बने बनाए शेप्स के कुछ डिज़ाइन दिए हुए हैं कि अगर आप यहाँ से कोई भी यूज़ करना चाहो जैसा आपको ठीक लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको दो तरीके के शेप्स देखने को मिलेंगे, देखें एक ये कलर है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये देखें, ये बिल्कुल ग्रीन है, ना कहीं से लाइट है ना कहीं से डार्क है। और अगर मैं ऐसी नीचे आ जाऊं और इसकी बात करूं तो देखें ये ऊपर से आपको वाइट वाइट शो कर रहा है और यहां से थोड़ा सा डार्क आपको शो कर रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कलर्स के मिक्सचर को कहते हैं ग्रेडियंट। ये पहले भी मैंने आपको बात बताई थी। सॉलिड कलर क्या होता है, सॉलिड कलर होता है सिर्फ एक, जैसे ग्रीन वाइट ब्लू, ठीक है। इसके अलावा ग्रेडियंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बारिशों के बाद रेनबो जो निकलता है उसमें सात कलर्स होते हैं और वो कंबाइन हुए होते हैं, मिक्स हुए हुए होते हैं।
तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेडियंट। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको बने बनाए डिज़ाइन दिए हैं शेडो वेडो के साथ, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आगे आ जाओ आप, आपको ऑप्शन दिया हुआ है शेप फिल। शेप फिल मतलब इस शेप के अंदर का कलर कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा इस तरीके का हो, ठीक है ऐसा हो जाएगा, ठीक है, या इस तरीके का हो, या आप चाहते हो भाई मुझे सॉलिड कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ग्रेडियंट, तो आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे, जो कलर आपने पिक किया हुआ होगा उसके साथ, डार्क में और लाइट वेरियंट में। जैसे अगर मैं ये ले लूँ तो देखिएगा बीच में देखें थोड़ा सा डार्क है, और कॉर्नर्स पे अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा लाइट लाइट है, सही है, ये मैंने किससे किया, ग्रेडियंट से। इसके अलावा अगर आप कोई भी कलर नहीं रखना चाहते तो आप कर दो नो फिल। नो फिल देखें इसमें वाइट कलर नहीं हुआ, इसमें कोई भी कलर नहीं है। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा और ये देखें शेप के आगे से आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है पीछे का। अगर मैं इसमें अभी कोई कलर करता हूँ, यहाँ से मैं गया शेप फिल में और मैं कोई कलर कर देता हूँ, अभी देखें आपको नज़र नहीं आ रहा, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ से इसको कर दूँ नो फिल तो देखें कोई भी फिल नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा कलर। ठीक है, इसके अलावा फ़िलहाल अभी मैं कलर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको अभी और चीज़ें समझानी है, इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अगेन मैं जा रहा हूँ शेप फिल में। इसके अलावा अगर आप चाहो इसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हो, पिक्चर पे क्लिक करो, वर्किंग ऑफलाइन करना चाहो तो ऑफलाइन कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ से सर्च करना चाहो तो आप यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ब्राउज़ किया मैंने कि मेरे पास कंप्यूटर में पड़ी हुई है पिक्चर्स और कहाँ पर हैं, डाउनलोड में होंगी, ये वाली है, ओके इंसर्ट कर दो, ये यहाँ पे ये इंसर्ट कर देगा, इस शेप के अंदर पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, ये हमने कैसे किया था, शेप फिल में जाके इस ऑप्शन से। इसके अलावा अगर आप इसमें चाहो तो टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हो इस तरीके के, ठीक है, ये देखें कुछ इस तरीके के आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो अपने शेप के ऊपर। ठीक, अगर नहीं चाहिए तो आप कर दो नो नो फिल, या सिंपल मैं कलर रख लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको शेप आउटलाइन। आउटलाइन किसे कहते हैं, ये जो इस शेप का सरफेस आपको नज़र आ रहा है ना, ये तो ये किस कलर की होनी चाहिए, अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो भी ठीक है, आप यहाँ से सारा काम कर सकते हो, और नहीं चाहिए नो कर दो, ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा ब्लैक चाहिए, और अभी बहुत बारीक सी ये नज़र नहीं आ रही मुझे, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी थिक हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, विड में आऊँगा, यहाँ से विड बढ़ा दो, देखें आपको नज़र आ रहा है कितनी डार्क हो गई। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो हम पिक्चर की पढ़ कर आए थे, फ़र्क ये वो पिक्चर की नहीं है, शेप्स की हैं। डॉट डैश में करना चाहो आप यहाँ से इसको डॉट डैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एरोज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आता है जब आप लेते हो स्ट्रेट लाइन। इसको ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, अब देखिएगा, पहले मैं आउटलाइन में जाके इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा डार्क हो जाए। दूसरी चीज़ मैं गया एरोज़ में, देखें अब आप यहाँ से एरोज़ भी ले सकते हो, जिस तरीके के आप एरोज़ लेना चाहो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये देखें कलर वलर चेंज करना चाहो आप यहाँ से जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो इजीली। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कलर्स दिए हैं मैं आपको, मोर कलर्स आउटलाइन के, अगर आप यहाँ से चाहो तो अपनी मर्जी का कोई भी कलर बना सकते हो। तो यही सेम चीज़ आपको शेप फिल में भी मिल जाएगी, ये रहे, यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर बना सकते हो। ठीक है, कोई भी कलर ले लो, वो कितना लाइट हो कितना डार्क हो वो आप डिफाइन कर सकते हो, ओके कर दो वो फिल हो जाएगा। ओके ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए आउटलाइन। शेप इफ़ेक्ट्स, ये वही शेप इफ़ेक्ट्स हैं जो हम पहले टेक्स्ट के पढ़ कर आए थे, और कुछ क्लासेस पहले हमने पिक्चर के पढ़े थे, वही आपको दिए हुए शेप। फ़र्क ये है वो टेक्स्ट के थे, पिक्चर के थे, ये शेप्स के। तो बने बनाए प्रीसेट्स दिए हुए कुछ के, भाई इस तरीके का कुछ अप्लाई कर लो इसमें, बेवल, सॉफ्ट एजेस, शेडो, रिफ्लेक्शन वगैरह, 3D रोटेट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, नहीं चाहते आप यहाँ आ जाओ, जो आपको टेक्स इफेक्ट्स में मिले थे कि पर्सपेक्टिव, आउटर, इनर शेडो, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो आप। रिफ्लेक्शन जो आपको टेक्स में मिली थी या पिक्चर इफेक्ट्स में मिली थी, वो आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड है, आप यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हो। ग्लो जो आपको टेक्स में मिला था या शेप में मिला था, वही आपको उसमें पिक्चर में भी मिला था, वही आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आप यहाँ से जैसा इफेक्ट करना चाहें। देखें कुछ लुक अच्छा आ रहा है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं शेप के वो बिल्कुल ब्लेंड हो गए, जो कि हम कैसे करते थे, इसके ज़रिए, सॉफ्ट एजिस के ज़रिए। अच्छा पहले मैं ग्लो ख़त्म कर देता हूँ,
सॉफ्ट एजेस ये वही हैं जो मैंने आपको पिक्चर में समझा कर आया था। सॉफ्ट मतलब आपके जो एजेस हैं, एजेस मतलब कॉर्नर्स, वो बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएंगे। देखें कुछ इस तरीके का, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा बेविल ये भी वही है जो हम पिक्चर का पढ़कर आए थे, जो मैंने आपको बताया था, उभरा हुआ इफेक्ट, डेरी मिल्क की एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको। थ्री डी रोटेट भी मैंने आपको बताया था पिक्चर में, ठीक है। तो ये वही ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि इसमें लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो और ऐड टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दो, या सिंपल सेलेक्ट करो और लिखना शुरू कर दो, खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो इसमें लिखा है उस पर अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, तो आप आ जाओगे यहाँ पे, ग्रुप दिया हुआ है, वर्ड आर्ट स्टाइल। यहाँ पर आपको वही चीज़ सबसे पहले तो बने बनाए स्टाइल दिए हैं, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। नहीं पसंद आ रहा आपको, अपनी मर्जी का करना, तो यहाँ आ जाओ। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ टेक्स्ट फिल, वही टेक्स्ट के अंदर का कलर, फिल मतलब अंदर का कलर, कैसा, मैंने कहा ऐसा कर दो, ओके। अच्छा, इसके अलावा वही सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको, ग्रेडियंट बना सकते हो आप, मोर कलर्स दिए हुए जो अभी हम शेप के देख कर आए थे। यहाँ आ जाओ तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको टेक्स्ट आउटलाइन के, टेक्स्ट का सरफेस कैसा हो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा रेड होना चाहिए, ठीक है। और मैं अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ, शॉर्ट की से कर रहा हूँ मैं, आपको अगर शॉर्ट की नहीं पता तो इस पर प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप ये देख के सीख सकते हैं। थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको डिफाइन हो कि क्या हो रहा है, ये देखें, ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आगे आ जाऊँ तो वही मुझे डैशेस वगैरह दिए हुए हैं, कि अगर आप चाहो तो डॉट डैश वगैरह में कर सकते हो, डैशेस में कर सकते हो, डॉट्स में कर सकते हो, कुछ इस तरीके का सीन, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप सिंपल जाओगे यहाँ से और इसको कर दोगे नो आउटलाइन, ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ टेक्स्ट इफेक्ट्स, बिल्कुल ये वही चीज़ें आ गई। सबसे पहले शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेविल, थ्री डी रोटेट, जो अभी हम सब यहाँ पे देख कर आए थे, वही सब इस पे दिया हुआ। फ़र्क क्या है, वो शेप पे अप्लाई हो रहा था, याद रखिएगा किस पे अप्लाई होगा, टेक्स के ऊपर, ओके। जितनी चीज़ें होंगी यहाँ से वो होंगी टेक्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़, नया ऑप्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म। इसका काम क्या होगा, कुछ इस तरीके के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा आपके नॉर्मल टेक्स्ट को, सही है, इस तरह के कुछ, जैसे आपने देखा होगा मोनोग्राम में हुआ हुआ होता है कुछ इस तरीके का सीन, घुमा हुआ होता है बीच में कोई पिक्चर होती है, या आपने देखा होगा सोसाइटीज़ पे लिखा हुआ होता है यूँ, गोकुल धाम सोसाइटी, या इसके अलावा आपने देखा होगा 9-10 की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट में लिखा हुआ होता है कराची बोर्ड वगैरह, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो वो इस तरह से कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से ये सब देख सकते हो, ठीक है। ये कहलाते हैं रैप टैक्स, सही, नहीं करना तो नो कर दो, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो टैक्स है हमारा, ये हमारे शेप में कहाँ पर आ रहा है, सेंटर में, बीच में, ठीक है। अच्छा, दो अलाइनमेंट्स होती हैं, एक हम लोग पढ़कर आए थे होम टैब में, ये कि लेफ्ट, सही है, सेंटर और राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करें तो अगर हम चाहते हैं भाई इस टैक्स को हमें लाना है ऊपर से, तो आप क्या करोगे, आप आ जाओ यहाँ पे अलाइन टैक्स, अलाइन टैक्स में जाने के बाद इसको टॉप कर दो, मिडिल हुआ हुआ है भी है, आप टॉप कर दो, टॉप पे चला जाएगा। अगर आप इसको कर देते हो बॉटम, तो ये बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली ये मिडिल पे होता है। एक ऑप्शन दिया हुआ आपको टेक्स्ट डायरेक्शन, अभी इसकी डायरेक्शन कैसी है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है ये, अगर आप इसको रोटेट करवाना चाहो आप बिल्कुल रोटेट कर सकते हो इसको इस तरह से, ठीक है। अपनी मर्जी की डिग्री पे करना चाहो रोटेट, तो आप आ जाओगे टेक्स्ट डायरेक्शन में, और यहाँ से आप बता सकते हो कि भाई किस तरीके का आपको चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी मिल जाएगा, ये ओरिएंटेशन आ रही है, मैंने कहा मुझे हॉरिजॉन्टल ही चाहिए, ओके कर दिया मैंने, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट लिंक, ये मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहा, ये हम लोग पढ़कर आए थे इंसर्ट टैब में, ये रहा ऑप्शन लिंक का, ठीक है, हाइपर लिंक, इसकी मैंने आपको शॉर्ट की भी बताई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप हम पिक्चर में भी पढ़कर आ चुके हैं, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अरेंज ग्रुप का क्या काम होता है। जैसे हम पिक्चर में पढ़कर आए थे वही काम इसका यहाँ पर भी है, कि ये जो शेप है मैं चाहता हूँ भाई ये अरेंज हो जाए। सबसे पहले पोजीशंस दी हुई हैं, तो आप इसको कहाँ रखना चाह रहे हो अपने पेज के, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पर भी आप रखना चाह रहे हो। रैप टेक्स्ट दिया हुआ है आपको, कि अगर मैं इसको इनलाइन कर दूंगा तो देखें ये मूव नहीं होगा पिक्चर की तरह, तो मुझे इसको क्या करवाना है, अगर मूव करना है तो यहाँ से हम इसको करवा रहे थे स्क्वायर, आपको अगर याद हो तो, पिक्चर को भी मैंने आपको बताया था ऐसे ही, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंसर्ट टैब असाइनमेंट,
उसमें सिग्नेचर लाइन में भी बताया था। और उससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था इंसर्ट टैब पार्ट टू, जिसमें मैंने पढ़ा था टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल ग्रुप, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी पिक्चर लोगे या सिग्नेचर लाइन लोगे तो वो मूव नहीं होगी, तो उसको आपको क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर, जब बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हो आप इसको, कि मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट हटा देता हूँ पहले शेप में जो लिखा हुआ है, और देखें मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, पूरे पेज पे कर लेता हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बुक्स होती हैं बहुत सारी, उनके बैक का कलर कुछ कलरफुल होता है, वाइट कलर नहीं होता, कोई और कलर हुआ हुआ होता है। तो देखें आप ऐसे कर सकते हैं, मैं प्रिंट करता हूँ कंट्रोल पी से, ये देखें कलर भी प्रिंट होगा, लेकिन शर्त यह है कि कलर प्रिंटर से आप प्रिंट निकालें इसका। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैं एक और शेप ले लेता हूँ यहाँ से। शेप लेने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ वही ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड के, अगर आपके पास दो शेप्स हैं और जैसे ये ब्लैक है एक ब्लू है, ये ब्लैक वाला ऊपर आ रहा है ब्लू वाला पीछे आ रहा है, आप चाहे तो ब्लू वाला ऊपर आ जाए, तो आप क्या करोगे, ब्रिंग फॉरवर्ड आगे आ जाएगा, ठीक है। या अगर आप चाह रहे हो ये ब्लैक वाला पीछे चला जाए या आगे आ जाए, तो आप क्या करोगे, सिंपल अगर आगे लाना है फॉरवर्ड, पीछे लेके जाना है बैकवर्ड, ठीक है। ये मैंने आपको पिक्चर में बताया था इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं। सिलेक्शन पेन, यहाँ से हमने क्या किया था कि हमने ये देखा था कि आप यहाँ से किसी भी शेप को हाइड एंड शो करवा सकते हो इस आई बटन के थ्रू, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा या शो हो जाएगा, अगर आप चाहते हो हाइड ऑल शो ऑल कर सकते हो आप ये, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़े हम, तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है अलाइनमेंट का, ये भी मैंने आपको बताया था कि आप अपने इस शेप को या पिक्चर को अपने टेक्स्ट के साथ अलाइन कर सकते हो, ठीक है, पेज पे मिडिल पे चाहिए। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंटर लेफ्ट राइट ये आपको अलाइनमेंट्स मिल गए हॉरिजॉन्टली, और ये टॉप मिडिल बॉटम ये आपको मिल गई वर्टिकली, ठीक है। दो अलाइनमेंट जो होती हैं कुछ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली में आता है लेफ्ट सेंटर राइट, और वर्टिकल में आता है टॉप मिडिल बॉटम। आप अगर चाहते हो ये दोनों शेप्स ग्रुप हो जाएं, तो मैंने पहले एक शेप को सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने कंट्रोल प्रेस किया, दूसरे शेप को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको ग्रुप, तो ये एक हो गए। मूव करूँगा, रोटेट करूँगा, साइज छोटा या बड़ा करूँगा, ये एक साथ ही छोटे या बड़े होंगे, जो भी होगा इनका एक साथ होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इनको ग्रुप कर लिया। अनग्रुप करना है तो सिंपल जाओ यहाँ से और अनग्रुप कर दो, ईजी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ो तो आपको रोटेट ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ आपको डिग्रीज दी हुई हैं, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री, लेफ्ट से 90 डिग्री, राइट से कर सकते हो आप, नहीं तो आप सिंपली यहाँ से ईजीली जितने भी एंगल पे अपनी मर्जी के मुताबिक रोटेट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आगे आ जाओ तो आपको दिया हुआ साइज़ ग्रुप, जो काम आप यहाँ से कर रहे थे साइज छोटा या बड़ा करने का, वही काम आप कर सकते हो यहाँ से भी। ये दी हुई आपको हाइट और ये दी हुई है वेट, अगर आप यहाँ से बढ़ाओगे या कम करोगे तो हाइट कम या ज़्यादा होगी, और अगर आप ये वाला ऑप्शन बढ़ाओगे या कम करोगे तो आपके शेप की वेट कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो भाई शेप को हमें लगाना है या टेक्स्ट के साथ, अभी देखें शेप आ रहा है हमारा टेक्स्ट के ऊपर, तो आप चाहते हो भाई टेक्स्ट के साथ एडजस्ट हो जाइए, तो आप क्या करो, आपको मैंने पहले भी बताया था, आप जाओगे रैप टेक्स्ट में और इसको करवा दो स्क्वायर, देखें अब जहाँ पर भी आप इसको मूव करवाओगे ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट के हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा अखबारों में, या आपने देखा होगा नॉवेल्स में, बुक्स में, ठीक है, बायो की, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर की, या स्टोरीज जो होती हैं, पोएम्स जो होती हैं, उसमें टेक्स्ट के साथ पिक्चर भी अटैच हुई हुई होती है, तो वो कुछ इस तरीके से हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और प्रॉपर आपकी एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझना है, तो आप बिला झिझक मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।